हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सी टेट लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत मैं मैथ्स पेडागोजिकल इश्यूज के जो प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षाओं में, उनसे मैं बात करूंगा। वैसे प्रश्न नेचर जो आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स का दिया गया है, उसमें 15 प्रश्न आपके इस गणित शिक्षण से और 15 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपने मेरे काफ़ी वीडियोस इसके पहले देखे हैं। यहाँ पर मैं गणित शिक्षण से शुरुआत कर रहा हूँ, जिनके प्रश्न बेहद सरल होते हैं लेकिन व्यवहारिक होते हैं। उस व्यवहार को प्रत्यक्ष अप्लाई करके फिर उत्तर देना, यहाँ से आप गणितीय प्रक्रिया को आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए इस क्रम में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सिलेबस आपके परीक्षाओं के लिए दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले गणित की प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम। गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। और गणित में मूल्यांकन, इवेल्युएशन इन मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर गणित के प्रकृति से लेकर। गणित की प्रकृति समझने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि गणित क्या है। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न उठता है कि गणित क्या है। चलिए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं और तब मैं बात करूंगा इस गणित के प्रकृति के बारे में। तो गणित क्या है, इसके संदर्भ में विद्वान जो अपना मत व्यक्त किए हैं, उसमें उन अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती है। कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है, मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन। तो कोई गणित को संख्या और स्थान का विज्ञान कहता है। तो कोई विद्वान कहते हैं कि गणित मापन मात्रक और दिशा का विज्ञान है। तो कोई कहते हैं कि गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो कोई विद्वान ये कहते हैं कि गणित आगमनात्मक और प्रयोगात्मक विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज एन इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी परिभाषाएं आपके सामने आ रही हैं, उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि गणित जो होता है वो विज्ञान का एक अमूर्त रूप होता है। तो वहीं पर लॉक साहब कहते हैं कि जो गणित है वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करते हैं। ध्यान देना, यहां से जो गणित की परिभाषाएं, ये थोड़ा सा समझ लेना आवश्यक होता है कि जब कोई पाठ हम पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि, उसकी डेफिनेशन को स्पष्ट कर लेते हैं। तो विद्वानों के अनुसार कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है। गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान है। तो कोई विद्वान ये कहते हैं कि गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। गणित जो है वो संख्या और स्थान का विज्ञान है। तो कोई बताते हैं कि गणित मापन मात्रक और दिशा का विज्ञान है। मापन मात्रक और दिशा का विज्ञान है। तो कोई विद्वान यहां से कहते हैं कि गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और कोई कहते हैं कि गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो कोई विद्वान, अच्छा देखिए, इन सब को यदि देखा जाए तो गणित की जो भी डिफिनेशन है वो विज्ञान से जुड़ी हुई मिलती है। गणित की जितनी भी परिभाषाएं आप यहां पर देख रहे हैं वो परिभाषाएं विज्ञान से जुड़ी हुई आपको प्राप्त हो रही है। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित जो है वो क्या है, वो विज्ञान का अमूर्त रूप है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अमूर्त रूप मतलब जिसकी कोई रूप नहीं हो। तो गणित विज्ञान का वह भाग है। देखिए, गणित वास्तव में एक विज्ञान ही है
लेकिन वो दिखता नहीं है। मतलब विज्ञान का ऐसा रूप जो स्पष्ट नहीं हो है लेकिन है वास्तव में गणित ही, या गणित जो है विज्ञान का ऐसा रूप है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वास्तव में होता विज्ञान ही है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गणित और विज्ञान एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक है। अच्छा, आप संक्षेप में यदि मिलाना चाहें तो बस इतना कह सकते हैं, जहां पर गणनाओं की प्रधानता हो वही विज्ञान, सॉरी वही गणित है। जहां पर गणनाओं की प्रधानता हो वही क्या है, गणित है। जैसे हमने देखा कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 20, 25, 30, तो ये मैंने यहाँ पे गणना की, तो ये भी एक क्या है, गणित है। तो वहीं पर लॉग बताते हैं, कहीं कहीं लॉग का जिक्र आपको मिलता है, लॉग ये बताते हैं कि गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करते हैं। मतलब मैथमेटिक्स इज अ वे इन विच वी सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रेन अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। मतलब यहाँ पर सेंस बिल्कुल आप स्पष्ट देख रहे हैं। वैसे एक चीज ध्यान देना कि गणित शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है वो छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना होता है। छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण, ध्यान देना, ये सवाल सीटेट में पूछा भी जा चुका है, अभी उस प्रश्न का मैं जिक्र करूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। जो छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण है वही क्या कहलाता है, देखिए यही विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य होता है, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैं एक स्पष्ट यहां से एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से आप देखिएगा सोच का गणितीकरण क्या है, इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मैं आपसे ये कहूं, या एक बालक को या किसी कक्षा में मैंने एक सवाल किया बालकों के समक्ष कि 5 पेन का मूल्य 50 रुपये है, तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा। ध्यान देना, मैंने प्रश्न बालकों से किया कि 5 पेन का मूल्य 50 रुपये है तो 10 पेन का मूल्य क्या होगा। तो यहां पर बालक अलग अलग ढंग से तर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कोई बालक ये सोच सकता है कि 5 पेन का मूल्य 50 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य 10 रुपये है। 5 पेन का मूल्य 50 रुपये तो 1 पेन का मूल्य 10 रुपये, तो 10 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो कोई बालक ये सोच सकता है कि यहाँ 5 पेन है, यहाँ 10 पेन है, मतलब 2 गुना पेन यहाँ पर है। यहाँ 5 पेन है, यहाँ 10 पेन है, मतलब कितने गुना है, 2 गुना पेन यहाँ पर है, तो 2 गुनी कीमत भी यहाँ पर होगी। तो कोई बालक ये कह देता है कि ये 100 रुपये। आप ये देख रहे हैं कि निष्कर्ष दोनों बालक वही निकाले लेकिन सोचने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। तो जो बालक चीजों को सोचते हैं वो अमूर्त रूप में होती है, वो किस रूप में होता है, अमूर्त रूप, मतलब उसे आप देख नहीं सकते। जब बालक कोई सोचता है तो वो अमूर्त रूप में होता है और बालक उस अमूर्त सोच को एक निष्कर्ष पर जब ले जाकर छोड़ता है तो वो मूर्त रूप में बदल जाता है। एक जब निष्कर्ष पर छोड़ता है तो किस रूप में बदल जाता है, मूर्त रूप में बदल जाता है। यही कहलाता है गणितीकरण, सोच का गणितीकरण। मतलब बालक जिस क्रम को जिस लैंग्वेज में सोचते हैं उसी को उसमें रूपांतरण करके एक निष्कर्ष तक पहुंच जाए तो ये कहा जाता है कि सोच का गणितीकरण है। वैसे जो गणित की प्रोसेस है वो एक कह सकते हैं संख्या से शुरुआत होता है। गणित की जो विकास है वो एक संख्या से शुरू होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि गणित एक सामान्य से जोड़ने की प्रक्रिया से चलकर पूरे विश्व तक को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब गणित जैसे बालक सीखता है तो एक सामान्य से जोड़ से वो शुरुआत करता है। जैसे मैंने बालक, छोटा बालक है, मैंने कहा ये कितना है, 1, ये कितना है, 2, मैंने कहा 3 और मिला दे, तो बालक इस तरीके से सोचने का प्रयास करता है, 2 से 3 और मिलाया 5। तो जब गणित की सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, इनिशियल स्टेप होती है, तो एक सामान्य से जोड़ से लेकर पूरे विश्व तक को जोड़ने का यदि कार्य कोई करता है तो कौन करता है, गणित करता है।
तो देखा जाए, लॉक ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करते हैं। जैसे मैंने बालक के सामने जब कोई प्रश्न रखा तो बालक तर्क किया। अब बालक तर्क किया हमें कैसे पता चला, टीचर को कैसे पता चला? जैसे मैंने कोई ये एक एग्जाम्पल दिया तो कोई बालक जैसे ये पूछा कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, तो जब बालक क्यों और कैसे का जवाब प्रश्न करता है टीचर से, तो इसका मतलब बालक कुछ तर्क कर रहा है। तो तर्क कर रहा है तो इसका मतलब बालक के गणितीय प्रक्रिया का विकास हो रहा है। लॉक यही मानते हैं कि बालक के सोच का गणितीकरण ये किस माध्यम से होता है, मतलब छात्र एवं छात्राओं की जो सोच का गणितीकरण है कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल मिलता हुआ है। देखिए यहां से ये जो आपने अभी मैंने केवल इतना बताया कि गणित की जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, तो इस क्रम में मैंने बात की। अब हम बात करते हैं गणित की प्रकृति। देखिए संक्षेप में यहां पे समझते चले, गणित की प्रकृति की जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है बाद में इसे नोट कर लीजिएगा, और यहां से प्रकृति से कैसे प्रश्न बने हैं हम वो प्रश्न भी मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे गणित की प्रकृति में पहला पॉइंट यह है कि यह जो है अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ एवं अस्थायी होता है। ध्यान देना, गणित की जो प्रकृति होता है यह अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ और अस्थायी होता है। मतलब ये कह सकते हैं, देखिए अन्य क्रम में भूलने का औसत थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है या कंफ्यूजन से स्थिति बनी रहती है, लेकिन यदि बालक को गणित बालक के वातावरणीय परिवेश से जोड़कर गणित की शिक्षा दे तो बालक जो चीजें सीखता है वो काफी हद तक अस्थायी होता है। मतलब NCF 2005 भी कहता है कि बालक को गणित की शिक्षा बालक के वातावरणीय परिवेश से जोड़कर दी जानी चाहिए। मतलब ये बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। मतलब कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं यदि बालक के हम परिवेश से जोड़कर उस क्रम को बताएं तो उसमें भूलने का अवसर कम होता है। मतलब बालक एक बार व्यवहारिक समझ लेता है तो जल्दी भूलता नहीं है, लेकिन अन्य इसलिए कहा गया ना अन्य पाठ्यक्रम की अपेक्षा ये थोड़ा सा अधिक सुदृढ़ होता है। जैसे अभी इतिहास आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है सन में कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन सी घटना कब हुई, लेकिन यदि गणितीय भाषा से हम सोचकर प्रश्नों को यदि समझ लें, टीचर गणित पढ़ाते समय बालक के वातावरणीय परिवेश से जोड़कर यदि ज्ञान देता है शिक्षा देता है तो बालक जो चीज़ें सीखेगा वो अधिक समय तक अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा रहेगा। दूसरा इसका ये प्रकृति है कि गणित एक भाषा है। गणित की प्रकृति क्या है? गणित एक भाषा है। अच्छा यहां पर भाषा का जो तात्पर्य है वो किससे है, भाषा का तात्पर्य किससे है? क्योंकि इसके अंग जो है भाषा का तात्पर्य ये होता है क्योंकि इसका पद होता है, पद को हम कहते हैं टर्म। प्रत्यय होता है कॉन्सेप्ट, प्रत्यय को आप क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट। सूत्र पद होता है, प्रत्यय होता है सूत्र फार्मूले। सिद्धांत प्रिंसिपल, और संकेत होता है साइन। तो इसलिए कहते हैं कि गणित की अपनी एक भाषा होती है क्योंकि गणित को समझने के लिए गणित का पद होता है, टर्म होता है, प्रत्यय होता है कॉन्सेप्ट होता है, सूत्र होता है फार्मूले, सिद्धांत उसके होते हैं, और तब संकेतों के माध्यम से गणित को सीखते हैं। अच्छा अभी पहले वाले क्रम में हमने कहा कि गणित की जो प्रकृति होती है वो अधिक सुदृढ़ एवं अस्थायी होती है अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा। अब इस पर एक सवाल पूछा गया है, ध्यान देना, इस पर एक सवाल पूछा है कि गणित की प्रकृति है, ध्यान देना, प्रश्न पूछा है, ये सीटेट का प्रश्न है कि गणित की प्रकृति है, ऑप्शन में दे दिया जाए सजावटी, कठिन बी ऑप्शन में। अभी बड़े प्रश्नों पर मैं चलूंगा क्योंकि प्रकृति पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, और यहां पे दे देते हैं तार्किक,
सामान्य के लिए नहीं, डी ऑप्शन में। तो अच्छा बताइए, गणित की प्रकृति क्या होती है? जैसा कि आपने अभी गणित की डेफिनेशन में, विद्वानों ने भी स्पष्ट किया है कि गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। विद्वानों ने भी गणित को क्या कहा? तार्किक विचारों का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। तो आप कह सकते हैं कि गणित की जो प्रकृति है वो क्या है? यहाँ पर तार्किक है। ये सजावटी, गणित में कौन सी सजावट होगी, है ना? कठिन, जैसे कभी कभी हम अपने ढंग से समझ लेते हैं, मान लिया हमें गणित कम आ रहा है तो हमें लगता है कि गणित की प्रकृति कठिन होती है तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, तार्किक होती है। यदि ये दिया होता कि अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़, तो हम वो भी लगाते। सामान्य के लिए नहीं, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। गणित की प्रकृति सामान्य के लिए नहीं है, इसका मतलब जो गणित सामान्य के लिए नहीं है तो क्या मंगल ग्रह वालों के लिए है? गणित की प्रकृति क्या है? तो इस तरीके से आप ये क्रम को देख सकते हैं। चलिए मैं कुछ चीजें ओरली बोल रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। गणित का जो ज्ञान होता है वो यथार्थ होता है, एग्जैक्ट होता है। इस पॉइंट को समझिएगा, बाद में चाहे नोट भी कर लीजिएगा। गणित का जो ज्ञान होता है वो यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, सिस्टमेटिक जिसे कहते हैं, तार्किक होता है, लॉजिकल होता है, जैसा कि यहां प्रश्नों में भी बिल्कुल स्पष्ट है और अधिक स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति की यदि हम बात करें तो गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त धारणाओं से चलते हुए मूर्त रूप में बदली जाती है। मतलब यहां पे ध्यान देना, जो चीजें हम सोचते हैं वो अमूर्त रूप में होता है, मतलब उसकी कोई रूप नहीं होती, लेकिन जब चीजों को सोचते सोचते हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, किसी तथ्य तक पहुंचते हैं, तो वो मूर्त बन जाता है और यही उसका कॉन्सेप्ट कहलाता, यही इसका कॉन्सेप्ट या आप कह सकते हैं सूत्र कहलाता है, जो कि मूर्त रूप में हो जाता है। नेक्स्ट, जो गणित की नियम है, सूत्र है, या आप जिसे कहते हैं सिद्धांत है, उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर किया जा सकता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं की जा सकती, है ना? क्योंकि गणित की जो भी डेफिनेशन दी जाती है या गणित के जो भी सूत्र निकाले जाते हैं वो भाषा से निकाले जाते हैं, मतलब उसके पद से चलते हुए फिर प्रत्यय पर चलते हैं, फिर सूत्र का निष्पादन करते हैं, या फिर उस कह सकते हैं सिद्धांत की ओर पहुंचते हैं और फिर संकेतों के माध्यम से प्रश्न को हल करते हैं। तो जिस कारण जो गणित की कोई सूत्र या फार्मूले को हम निष्पादित करके पढ़ते हैं उसकी सत्यता आप कहीं भी किसी भी समय कर लीजिए, वो प्रभावी नहीं होगी। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप इसकी सत्यापन चाहे जब चाहे जैसे चाहे जहां कर दीजिए, वो किसी भी स्थान पर गलत नहीं हो सकते। हम इससे इसके आगमन, निगमन और सामान्यकरण की प्रक्रिया के विकास को समझते हैं, ये गणित की प्रकृति में इंक्लूड है। इससे हम क्या समझते हैं? गणित, देखिए गणित की प्रकृति में, जैसे गणित को हम जब समझते हैं, सीखते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारी आत्मनिर्भरता है यह सुदृढ़ होती है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चलिए ये जो चीज़ें मैंने पढ़ा है इस क्रम में हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तर्क करने की क्षमता इंक्रीज होती है, जानने की उत्सुकता बढ़ती है, जिसे आप कहते हैं ईगरनेस टू नो, जानने की उत्सुकता, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ये सब हम समझ पाते हैं गणित की प्रकृति से। देखिए जब हम नेक्स्ट क्रम की हम बात करेंगे गणित की प्रकृति में, तो गणित पढ़ाने का तरीका, देखिए जब हम बालक होते हैं तो हमारे सामने प्रश्न ये होता है कि गणित कैसे हल किया जाए, गणित कैसे हल करें। लेकिन जब अब हम अध्यापक होने जा रहे होते हैं तो हमारे पास ये प्रश्न नहीं होता गणित कैसे हल करें, हमारे पास ये प्रश्न उठता है कि गणित कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। तो गणित कैसे पढ़ाया जाए, जब हम इस उद्देश्य को अपने पूरा करते हैं तो हम शिक्षण विधियों से होकर गुजरते हैं। मतलब गणित कैसे पढ़ाया जाए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अध्यापक जिन विधियों से होकर जाता है, हम उसे गणित शिक्षण की विधियाँ कहते हैं। उन विधियों की हम शुरुआत नेक्स्ट क्लास से करेंगे और आपको इसमें अन्य प्रश्नों को यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। तो आज के क्लास में मैंने बस इतना ही कुछ छोटी मोटी भूमिका बना के आपके सामने रखा है, पूरी डिटेल में शेष क्रम को अगले क्लास में कंटिन्यू करूँगा। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।